हाँ बोल भाई। हेलो। हाँ बोलो राहिल। क्या फारिग हो भैया बात करने के लिए? फारिग अबे हो बात करने के लिए? क्या नहीं देख रहा है, कहाँ पर हूँ मैं? वीडियो कॉल करी है मैंने जो अरे दिखेगा यहाँ से? तो मैं भी तो तुम्हारे वालों के पीछे घिरा रहता हूँ। सुनो कवाली तो तैयार हो बात करने के लिए शिर के मौजू नमाजों पे? से जन्नत नहीं मिलने वाली। क्या सिखा है उम्मत को बर्बाद कर रखे राहिल। शिर के मौजू पे बात करने को तैयार हो? साबित करो पहले मुसलमान हो। कल हमारा तुम्हारे बीच मुनाजरे का मौजू ये तय हुआ था कि शिर तय पे नहीं बात हुआ था, वो होगी। तुम्हारे तरफ से प्रपोजल था कि शिर पे तुमने बात खुद होगी। कहा मैंने था कहा ओके डन, बरेलवियत पर भी बात होगी। तुमने कहा था ओके डन, हम बरेलवियत पे ही बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अबे पहले जिससे शिर बात हो रही के। है पहले मालूम तो हो कि वो जिससे बात हो रही है यहूदी है, नसरानी है, वो अबे तबे करके काफिर बात है, नहीं मुशरिक करो, है। अबे तबे करके बात नहीं करो, प्यार से बात करो जैसे कि इंसान बात करता है, लगे कि तुम भी किसी इंसान की औलाद हो, ठीक से बात करो। ये तो तुम लोग जो है ना मुहज्जबाना गाली देते हो, बहुत अच्छा नहीं। इंसान की औलाद कौन सी बता दो गाली और देते क्या हो? कमेंट मिल खा दे। कौन सी गाली बार देते बार हो? अरे मौजब, माँ ये के मौजब घर क्या वालों होता का है? हल्का क्या है ये सब? मौजब क्या होता है? ये मौजब क्या होता है? मौजब क्या होता है? मुहज्जब यानी तहजीब याफ्ता फैमिली से। हाँ मौजब, मौजब हाँ मतलब तहजीब। कौन सी लुगत में लिखा है ये मायना मौजब का? ये देखो यार, ज्यादा उर्दू और ये अंग्रेजी अरे पढ़ाने की तुम कोशिश ही तो मत कह करो। रहे हो। जो अरे टॉपिक है ना अभी तो वो मैं उसी में अंग्रेजी बात में करो। बात नहीं, अभी तो मैं बात तुमसे सुन उर्दू सुन में मेरी बात कर बात, रहा हूँ। बात सुन। फिर तू सुन सुन मुसलमान भी करके है? बात कर रहा है, सुन सुन करके फिर बात कर रहा है। तुझे मोहब्बत, प्यार मोहब्बत नहीं समझ, रात नहीं 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 आ रही क्या? तो साबित करना तू अब फिर मुसलमान अबे है तो अबे तब करके मैं बात बात कर रहा है? करूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, कैसी जुबान है वाकई, क्या बाजारू औरत की पैदावार हो, ठीक से क्यों बात ये नहीं तुम करते गाली नहीं दे हो? रहे रंडी के जने, तू उनके अरे औलाद तू गाली नहीं दे रहा बे, माजब क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब तुम्हारी जो अलका जो बोल रहे हो, ये सब किसी बाजारू औरत की भाषा है जो तुम बोल बाजारू रहे औरत, हो। और जो बाजारू बाजारू खुद बोले ना वो खुद बाजारू है। और तुम्हारा हम वो जो है ना जो रेजा खान था ना, वो साला खुद शिया की पैदा और बाजारू रंडियों के बीच पैदा है उसकी। तो ये तुम्हारे हाँ बाप ने बताया कि तुम्हारी अम्मा ने? तुम्हारे बाप ने, नहीं किताबों में, तुम्हारी किताबों से चलो ये कौन सी किताब में मालूम लिखा है, है। किताब पढ़ के बताओ, हवाला दो। अबे वो किताब फिर देखो, अवेलेबल फिर है, अवेलेबल घर नहीं, जाके फिर दिखा दूंगा, झूठा, अभी बाद फिर आ रहा हूँ जाहिल, उसका। फिर जहालत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कज़्ब मकारी कर झूठ रहा है। बोल रहा तो मैं दे दूंगा ना, मैं कहाँ लानतुल्लाह पढ़ेगा हिलल वो, किताबों काज़बीन, में पढ़ा है, लानतुल्लाह पढ़ा है हिलल मैंने तुमको। हाँ काज़बीन, लानतुल्लाह हिलल काज़बीन। कहो आमीन, अबे कहो आमीन, कहो। वो उसके फिर फूफा अबे था ना, अबे और करके अभी बात तो कर हम रहा है? छोटे अबे थे। सुनो ना अलिफ बे, पढ़ा सियाल नहीं, बे सियाउल पे जिनसे आ था गया। फिर वो बदतमीजी से बात कर अंग्रेजी रहा का है, जो पिच्छू था। फिर बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि माँ ने अदब, तमीज, तहजीब नहीं सिखाई है, बाजारू थी। फिर तू तू क्यों पहले तो मेरे तू को तू कर बाजारू रहा बोला? है? मैं तो बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, तू बार बहुत बार प्यार अबे से बात तबे कर रहा अबे हूँ। तबे सुन करके बात कर रहा है, अबे तबे सुन करके बात कर रहा है ना। मैं तुझसे मौजू कल तय हुआ अबे था कि हमारी शिर्क, जो फिर शुरुआत अबे हुई थी करके क्या बात कर रहा है। चीज सुनो सुनो मेरी अंडी बात, बंडी हमारी जो संडी, शुरुआत हुई थी अंडी ना। बंडी संडी, अब जो अबे तबे करके बात करे उसकी अम्मा, अब तुम्हारी हाँ मर्जी आगे। अब शिर के तुम्हें मौजू में बात बात करनी है, करनी है सुन कि नहीं? सुन सुन तुम्हें बात फिर करनी सुन है सुन तो करके बात कर रहा है। मैंने, अच्छा चल, क्या अंडी बोलूं? बंडी इतने तो संडी, वहां अब जनाब कोई भाई पापा है, बिल्कुल बात इसी को बात तरह करनी बात है। करो, बिल्कुल इसी सुनो तरह ना, बात करो। लखनऊ से हो हमेशा ना, एक एक लखनऊ से हो मुसलमान, ना, एक सुन तुम मेरी मुसलमान बात, से हर अरे मजहब बात वाला सुनो इसी ना, तरह से लखनऊ से बात हो करता ना, है, तमीज से। लखनऊ की तहजीब कहाँ झलक रही है तुम्हारे में? लखनऊ की तहजीब तो तब झलकेगी जब मैं कहाँ झलक रही सामने वाला तुम्हारे भी में? सामने तहजीब से बात कर रहा हूं ना। वाले को अभी तो जानते मैंने हो तुम्हें क्योंकि एक भी गाली नहीं बकी है, वरना गालियों में हमारे मैंने, मसाइल में, सुनो मेरी बात, गालियों में मैंने हमारे डिलीट मसलों कर रखा मसाइल है, में थोड़ा पीएचडी बहुत नहीं तो कर है, रखा है, लेकिन डिलीट कर सामने रखा वाला है जो गालियों शर्मा में। तो है अभी और मैं उसकी इतनी फिलहाल गालियां के वहां बकना की खान जानता में हूं कि उत्पादी तुम्हारे करेगा खानदान तो में वो इतनी तुमको औरतों के खाएगा। पेट में हमल हाँ नहीं बे आया सही होगा कि कहा, जितनी गालियां मुझे वो आती हैं। मैं फिर कह रहा हूं सुनो गाली ना, गलौज करके बात नहीं करना, वकील पनामत दिखाओ गाली सामने गलौज वाले को, करके सुनो मेरी बात बात, नहीं करना। ये वकीलगिरी नहीं चलेगा, ये कहां ये होता है वकीलगिरी वकील, मेरे ये पास नहीं चलेगा। वकीलगिरी में सामने क्या वाले होता को है कि बोलेगा सामने पता नहीं वाले की तो। नहीं सुनता, ये कहां, तुमने कहां पढ़ा, ये भी कहां अरे पढ़ा, तुम इसकी भी साला दलील क्या दो जरा। साला बात करते हो कि फिर सामने वाले साला को मैं साला गाली कर तो करके बड़े-बड़े बात कर बोलूंगा? रहा है, हाँ साला बहनोई ना बना। मैं कह रहा हूँ साला बहनोई ना बना, शिर्क के मौजू पे बात करनी है तो कर, वरना रास्ता तू नाप। पहले साबित कर कि तू मुसलमान है। कलमा सुना, कलमा सुना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला अरे इलाहा पहला कलमा इल्लल्लाह सुनाएगा मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो पहले ये बनना चाहिए था ना, फिर ये दूसरा कलमा शहादत पढ़ते। हाँ अच्छा चल बता, अगर मैंने पहला कलमा पढ़ लिया तो ये पढ़ना पढ़ना नाजायज है, जरा बता कहाँ लिखा है? नहीं,
कहाँ लिखा है, फिर फंसा, फिर लानती फंसा, फिर लानती मरदूद वहाबी नजदी, फिर फंसा अपनी बात में, शिर्क पे बात नहीं कर पाएगा ना। अगर मैं तुझसे एक बार और पूछूंगा, मैं एक बार और पूछूंगा, ये मैं आखिरी बार और पूछूंगा, शिर्क पे बात करने की औकात है तेरी या नहीं? अगर तूने बात नहीं करी इसका मतलब तू लानती मरदूद कज़्ज़ाब जाहिल इब्ने जाहिल है। कल रात को तय हुआ था कि हमारी तुम्हारी शिर्क पे बात होगी, तुमने कहा था ओके डन, अभी मैं रजिस्टर जुबान को लड़खड़ा मत, अभी से लड़खड़ाने लगी जुबान, अभी तो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आई भी नहीं है। चलो शिर्क पे बात करेगा कि नहीं, शिर्क पे बात करे, अबे एक्साइटेड मैन, अब जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो समझ लो फिर तुम भाई बन जाते हो। चलो जल्दी से बताओ, जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो तुम भाई बन जाते हो। चलो जल्दी से बताओ, शिर्क पे बात करेगा कि नहीं, शिर्क पे बात करेगा कि नहीं? बिल्कुल करूंगा। चलो फिर शुरू करते हैं, हमारे तुम्हारे दरमियान माखज क्या होंगे? फिर अबे करके बात कर रहा है। मैंने भी कहा था ना, अंडी बंडी संडी, जिसने अबे तबे करके बात करी उसकी अम्मा, तू कहे अपनी अम्मा को बार बार उनकी उसके ऊपर जो एक लानत का तोक डाल रहा है बे। और जो अभी चल जल्दी से शुरू करते हैं मुनाजरा, अब जो मुनाजरा शुरू करते हैं, हमारे तुम्हारे बीच माखज क्या होंगे? माखज क्या होंगे? फिर अबे करके बात कर रहा है, मैं मान गया तेरी अम्मा क्या है, क्यों बार बार मोहर लगा रहा अपनी अम्मा की उस नजर से यार, चूतिया साला। चल जल्दी बता, अरे तेरी अगर तेरी माँ उस दिन सर का दर्द बहाना करके सो गई होती तो आज तू इतनी गालियां न खिलवा रहा होता अपनी माँ को। चल दूसरों की शिर्क पे बात करेगा, मौजू क्या होगा मेरे तेरे दरमियान, और माखज क्या होगा? लखनऊ का पागल है, परेशान कर रखा है। माखज क्या होगा, मुनाजरे का माखज क्या होगा? सोच ले, ये ऑडियो अभी वायरल होके यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक पे जाएगी तेरे नंबर के साथ। हाँ तो ये पूरी दुनिया तुझे गाली बकेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि ये बार बार एक मुसलमान, पूरी ऑडियो जाएगी पूरी दुनिया, अभी शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी दुनिया अभी सुनेगी कि एक मुसलमान इससे शिर्क पे बात करना चाहता है, इसके माखज पूछ रहा है और ये भाग रहा है बार बार। माखज क्या होंगे? हम तुम्हारे घर अपने भाई का रिश्ता लेके नहीं आए हैं, हम मुनाजरा, फिर गाली बक रहा है रंडी का बच्चा गाली क्यों बक रहा है बार बार? तुझसे नहीं हो पाएगा। सामईन हजरात आप सुन ले कि मैंने इसको इतनी बार ललकारा मुनाजरे के लिए, लेकिन ये टट्टी खोर वहाबी कब्र पुजारी एक मर्तबा भी राजी नहीं हुआ मुनाजरे के लिए, और ये अपनी बाजारू माँ की तरबियत सीख कर आया है, उसको दुनिया के सामने दिखा रहा है कि इसकी माँ ने इसे क्या क्या सिखाया है, इसकी माँ ने इसे क्या क्या सिखाया है, और क्या सिखाया है तुम्हारी माँ ने? साउंड नहीं आ रहा कि मैं मार्केट में हूँ। तुम्हारी माँ ने और क्या क्या सिखाया है? तो अच्छा चलो ठीक है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बाद में मुनाजरा कर लेंगे। हमारे तुम्हारे दरमियान माखज क्या होंगे इतना बताते जाओ। पहले तो तमीज से पेश आना सीखो, तमीज को बुला के लाओ, फिर उससे पेश आएंगे। और बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं हो तो तुम इस अंदाज में क्यों बात कर रहे हो? तेरा ओदा मालूम नहीं कि सामने वाले की उम्र क्या है। बदमाश है क्या तू? अबे मैं अपने को उतर आता हूँ तो सब कुछ जाता हूँ। चल डींगे गए अपने घर में आकना छोटे छोटे बच्चों के साथ। हम मुनाजरा तुझसे बाद में करेंगे, तुमसे बाद में करेंगे, सुनो मुनाजरा। अच्छा चलो ठीक है, मुनाजरा तुमसे हम बाद में करेंगे, बात सुन लो। चलो मैं तुम भी नहीं कहता, इसी तरह मैं आपसे कह रहा था बहुत तमीज से बात कर रहा था, गाली गलौज आपने शुरू करी, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दें कि आपके पास अभी वक्त नहीं है बात करने का, सुन ले पुरानी बातों को छोड़ दें, उनको फ्लश आउट करते हैं। आपको मुझसे मुनाजरा करना है, मौजू शिर्क होगा, अभी आपके पास वक्त नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें हमारे आपके दरमियान माखज क्या होंगे, ताकि अब मैं जब आपको कॉल करूं तो माखज तैयार करके कॉल करूं। माखज बता दो आपका मसलक, माखज क्या होंगे? नहीं पहले आप मसलक पूछ लीजिए ना, तो मसलक के हिसाब से ना माखज तय होगा। हाँ बता दीजिए मसलक क्या है। मसलक आप लोग इसको वहाबी कहते हैं,
ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ भी में भी तो बहुत सारा कैटेगरी होगा ना, लेडीज है, देवबंदी है, पूछोगे नहीं? अच्छा पूछिएगा नहीं, सॉरी मुझे मतलब ही नहीं है, मेरे लिए 72 सब एक है। अच्छा माखज क्या होगा, आप सिर्फ माखज बताए बस। माखज हमारे देखो कुरान और हदीस होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, और सहाबा इकराम की जिंदगी, सहाबा इकराम की जिंदगी, एक मिनट, कुरान और हदीस और सहाबा इकराम की जिंदगी, ये हमको कहाँ मिलेगी पढ़ने को? अहादीस मुबारक से। तो कुरान और हदीस के बाद सहाबा इकराम की जिंदगी को क्यों ऐड कर रहे हो? सहाबा इकराम से रेफरेंस लेंगे उनकी लाइफ से। अरे वो तो हदीस में मिलेगा ना जी, जी तो हो गया ना कुरान और हदीस को, बस कुरान और हदीस होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है? और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, कुरान और हदीस होगा और कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्या अहमद रिजा की कोई भी दलील मैं बिल्कुल? अरे मैं भी इब्ने तैमिया की कोई दलील नहीं मानूंगा, मैं भी इब्ने तैमिया की कोई दलील नहीं मानूंगा, मैं भी मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की कोई दलील नहीं मानूंगा। कुरान और हदीस की बात करी जाएगी, ठीक है? अब मुझे वक्त बताओ कब फारिग रहोगे, फिर मैं बताता हूँ मैं उस वक्त फारिग रहूंगा कि नहीं। बताओ, बोलो बोलो। है, कल कल दोपहर में 11-12 बजे कर लो, 11 या 12, एक वक्त बताओ। अरे यार एक वक्त तो आपने बताया था 12:25 में, मैंने सही 12:45 तक हो गया, फिर यार गुसल होते हैं, नमाज की तैयारी करनी होती है, तो फिर मैं आपसे वक्त पूछ रहा हूँ, आपका दिनचर्या टाइम टेबल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वक्त पूछ रहा हूँ, आप मुझे वक्त बताएं। वक्त करीबन 11 बजे। 11 बजे ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ ऑडियो सारी रिकॉर्ड करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक, इसको भी ये भी है? हाँ ये भी डालूंगा और कल इंशाल्लाह जो बात होगी उसके साथ ही डालूंगा। हाथ में डालोगे या फिर इस पोस्ट पर डालोगे? फेसबुक पे भी डालूंगा और अपने चैनल पे भी डालूंगा, और 2-4 चैनल है वहाँ पे भी जाएगी। ठीक ठीक, ये इसको भी डाल दो और आने वाला वो कल 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत अभी ठीक नहीं है, मेरे नजला जुकाम खांसी है और इस वजह से भी मुझे आज 15 मिनट ताखीर हो गई कॉल करने में, वरना मैं अपनी बात का पक्का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह मैं 11 से 12 के बीच बिल्कुल होना चाहिए, कल मैं 11 से भी। असल देखो देखो कुछ बहाने अख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना चाहिए ना कि ये भी कलमा जो है ये भी कुरान का मानने वाला है, एक अल्लाह का मानने वाला है, तो दायरा पार नहीं करना चाहिए ना। वो तो कल वो तो नहीं नहीं, अगर मैं सारे स्क्रीनशॉट अभी दिखा सकता हूँ कि आप वो शख्स हैं जिसने मेरी माँ को सबसे पहले गाली बकी, फिर खाके तैबा की माँ को गाली बकी आपने, और आप यहाँ पर आप यहाँ गांधीगिरी का लेक्चर ना दें बराए करम। तैबा को मैं कल से नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैंने आपसे कोई गाली बकी कल से आज तक? आप तो मुहज़्ज़बाना गाली बकते हैं जनाब, इनडायरेक्टली एकदम क्या बोल रहे, चुभन वाली गाली। अब आपके चुभ गई तो हम क्या करें भाई? हाँ अब सुई है, अब इंजेक्शन है, इंजेक्शन कभी कभी इंजेक्शन दवा के तौर पे चुभाना पड़ता है, तकलीफ होती है। मुझे किसी से मतलब नहीं है, नहीं मुझे किसी से मतलब नहीं, मेरे आपके दरमियान बात होने की बात हुई थी। अरे तो इस तरह से कितने वहाबी मैं सब कह दूं तुम्हारे चेले चपाटियां, यार ऐसे बात नहीं होती है। आपने गाली शुरू करी, आप मेरी बात सुने, आपने गाली गलौज शुरू करी और आप यहाँ गांधीगिरी की तरबियत ना दें बराए करम, ठीक है? आपने गाली खुद शुरू करी थी, बहरहाल अब बात यहीं खत्म करते हैं, बिल्कुल ड्रॉप हो गया। मैं मार्केट में हूँ यार, ठीक है, टाइम देख लिया करूँ बात। कल इंशाल्लाह मैं 11 से 12 के बीच तुम्हें कॉल करूंगा, रेडी रहना। चलो ठीक है, सलाम का जवाब नहीं दोगे क्योंकि बिल्कुल जो हक पर है फिर सलाम वैसे बिल्कुल बिल्कुल जवाब नहीं नहीं अच्छा कर लो सलाम जवाब हम दे देंगे। अच्छा असलाम इतबाल वही हो ना घुमा पे जाके वो उसके तरह जो अभी ना पुराने जमाने के मुनाफिकी हुए थे। चलो हो गया, अब रिजाओ शॉपिंग कर लो। अच्छा ठीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम इत्तबार। पहले हंस काहे रहे थे, कोई शूटिंग वूटिंग करो पिक्चर की? नहीं नहीं हंसी आ गई कि भाई राहिल भाई को फोन करना ही पड़ा आखिरकार, इस बात में हंसी आई थी। और सलाम में कोई रियाकारी को हंसी नहीं, असल में हमारी फेसबुक की आईडी ब्लॉक हो गई है 30 दिन के लिए। ब्लॉक कर देता है भाई, आप बरेलवी की आईडी बार बार बंद हो जाती है, खाके तैयार भी आईडी से आईडी बनाते रहती है, आपकी भी आईडी ब्लॉक हो गई। कुछ हैं जलनखोर, ब्लॉक कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। क्या आप गलत लिखते हो, रिपोर्ट कर देते हैं और आईडी ब्लॉक हो जाती है? असल में
हक बर्दाश्त नहीं होता तो रिपोर्ट मार देते हैं। नहीं नहीं आखिर फेसबुक वाले पागल तो नहीं है ना, वो तो बरजोबंदी या फिर आले हदीस तो नहीं है ना, आखिर क्यों बंद करेंगे आखिर। कुछ ऐसा कलाम इस मेरा मेरी मैं मेरी भी तो आईडी है, कहाँ ब्लॉक हो जाएगी क्या अगर आप चाहोगे ब्लॉक करना तो? हाँ अगर हम रिपोर्ट करना चाहेंगे तो हो जाएगी, लेकिन हम लोग रिपोर्ट नहीं करते। हाँ रिपोर्ट करोगे फिर उसको चेक होता बागता भाई, टीम होती उन लोगों की के कंटेंट्स चेक करते हैं कि कम्युनिटी के खिलाफ तो नहीं क्या फेसबुक वो लोग कंटेंट है। वो लोग कंटेंट नहीं चेक करते, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स होते हैं वो चेक करते हैं। हाँ हाँ चलिए खैर तो वो बायस्ड नहीं होते ना भाई मेरे, वो तो बायस्ड नहीं होते। नहीं बायस्ड नहीं होते, लेकिन कभी कभी होता ये है कि यहाँ की कोई लैंग्वेज लिखी है उसको वो लोग अब्यूसिव या ऑफेंसिव समझ लेते हैं, जबकि होता ऐसा नहीं है। बहरहाल तो आपके हम देख रहे थे कल से लेकर के आज तक, मेरे ख्याल से कम 70 मरतबा तो आपने हमको मेंशन किया होगा। और अरे भाई ऐसी मोहब्बत कायम दायम रहे भाई इंशाल्लाह रहमान। तो मैं ये कह रहा था कि पहली जब हमारी आपसे पहली रोज बात हुई थी तो उस टाइम जब आपने कहा था ना कि कुरान और हदीस आपके माखज़ है तो हमें लगा आप गैर मुकल्लिद हैं। भैया दत्तारी साहब हेलो हेलो लाइन ड्रॉप हो गई, फिर से मिलाई का पड़ी जी लाइन वा ड्रॉप हो गई शायद, मैं आपकी आवाज आ रही थी। अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई थी। अच्छा अच्छा हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब पहले दिन हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपके माखज़ कुरान और हदीस होंगे सिर्फ, तो हमें लगा कि आप गैर मुकल्लिद हैं। बच्चे को देखो एक सेकंड आएगा, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ जी तो मैं तो जवाब दिया था, असल में मैंने अपना मसलक बताना चाहा था उस वीडियो में, लेकिन मैंने यहाँ शुरू किया थोड़ा, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू नहीं किया था डायरेक्ट में देवबंदी वाला। मैं कहा कि जिसको आप लोग वहाँ भी बोलते हो, मैं सही हूँ वहाँ भी बोलते भी हो, देवबंदी को भी वहाँ भी बोलते हो, फिर आगे बोलना चाहते हो मेरे लिए सब बराबर है, 72 बराबर है मेरे लिए, इतना बोल के बात खत्म हो गई। और माखज़ क्या होगा, तो माखज़ की बात हुई तो कुरान और हदीस, तो आप बोला कि कुरान, फिर जब आप बाद में आप कन्फ्यूजन में थे कि मैं गैर मुकल्लिद हूँ, फिर जब बाद में बात हुई तो इसमें डिस्कशन में चैटिंग में फेसबुक पर, तो आपने कहा कि अबे कुरान और हदीस ही नहीं, कुरान और हदीस तो सिर्फ इनके माखज़ होते हैं गैर मुकल्लिद के, अहले हदीस लोगों के, तो देवबंदी के हाँ तो कुरान और हदीस इज्मा और कयास चारों होते हैं माखज़। इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया था तो मैंने ये कहा कि हम बाहमी इत्तफाक से अगर आप भी तैयार हो हम भी तैयार होते सिर्फ कुरान को भी माखज़ रख सकते थे कि नहीं सिर्फ दलील कुरान से होगी, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है लेकिन लेकिन होता ये है ना, बहरहाल मैं हमारे यहाँ तो नहीं हूँ अब तक। हाँ आप देवबंदी हैं जी, आप देवबंदी हैं, ये आवाज कट कट क्यों आ रहे भाई? जी मैं कह रहा हूँ आप देवबंदी हैं। हाँ देवबंदी घर में पैदा हुआ भाई मेरे, लेकिन मैं इसका उसका इसने ये लिख दिया उसने वो लिख दिया वो सब पत्रे में नहीं पढ़ने से बचाए। मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मैं दूसरे की गलती अल्लाह के नज़र में अगर गलती हुआ तो मैं इंसान हूँ भाई, मैं नहीं कह सकता कि अल्लाह पाक वो पसंदीदा है नहीं है, जो भी है मैं उन लोगों का मन नहीं लूंगा। अगर खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नज़र में अगर गलत किया है तो अल्लाह पाक उसकी गलत की सजा दे, अगर पसंदीदा है तायब है जो भी है मकबूल बंदे हैं तो अल्लाह पाक उनको जैसा दे। हाँ मैं वो सब पचरे में नहीं पढ़ूंगा कि इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया इसने तौहीन कर दी ये गुस्ताख है, उस पचरे से बचने के लिए मैं कुरान और हदीस को ही अपना रेफरेंस लेता हूँ। अच्छा मतलब कोई गुस्ताखी करे तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो करता रहे गुस्ताखी नहीं हमें उससे मतलब नहीं, यही कहना चाहता हूं। ऐसा मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है, अगर गुस्ताखी अगर साबित होगी तो किससे, कुरान हदीस से साबित करेंगे ना। राशिद जतारी साहब पहले तो एक चीज अहद करिए कि आप कॉल करते टाइम जो हमारी आपकी गुफ्तगु होगी उसमें गाली नहीं बकेंगे। आपको ऐसा लग रहा है ये शुरू का लहजा था आपके साथियों ने मुझे इरिटेट कर दिया था एक्चुअली, मैं फितरतन एक नरम दिल इंसान हूँ मैं। अच्छा वैसे करते क्या, आपकी मसरूफियत क्या है सत्तारी साहब? हेलो मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, यहाँ तो मेरे पास फुल नेटवर्क दिखा रहा है जबकि यहाँ बारिश भी हो रही थी, फिर कॉल करनी पड़ेगी। क्या नेटवर्क नहीं आ रहे क्या आपके यहाँ? नहीं नहीं नेटवर्क पूरी तरह से है। अच्छा हमारे पास भी पूरे नेटवर्क आ रहे हैं, चार डंडे दिखा रहा है। बिल्कुल छत पर हूँ, साफ फुल नेटवर्क दिखा रहा है मेरे स्क्रीन पे।
अच्छा तो दत्तारी साहब चले फिर, खैर तो मतलब आप देवबंदी हैं, अब आप कबूल करते हैं जी, हाँ देवबंदी हूँ मैं। देवबंदी हैं, तो आप किस लहजे से देवबंदी हैं? कि आप देवबंद में पैदा हुए इस वजह से देवबंदी हैं, या आप देवबंदी अकीदे को मानते हैं इस वजह से देवबंदी हैं? देखें भाई, जी दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा है जी जो देवबंद सहारनपुर में वाकई है, अरे आपको भी मालूम हमको मालूम है। उस जी मदरसे का एक्सप्लेनेशन को मानता हूँ मैं। अच्छा जलालुद्दीन कादिर साहब एक्सप्लेनेशन नहीं समझ रहे थे, अदनान साहब को एक्सप्लेनेशन का बताओ तो होता है, कुछ लोग को अंग्रेजी बिल्कुल वाकफियत नहीं होती अंग्रेजी से। अच्छा अच्छा बहरहाल मैं एक्सप्लेनेशन को मानता हूँ, अच्छा और लेकिन भाई मेरे, मेरी फोकियत कुरान और हदीस ही है। और आपको ये भी मालूम होगा ना कि बहुत सारे सोबत में रह करके हनफी गैर मुकल्लिद भी बन जाते हैं, फिर अपना जन्म शुरू कर देते हैं, ऐसा भी है कि नहीं? बहुत सारे होते हैं हाँ होते जो हैं, पढ़ा लिखा तबका ज्यादा होता है शिकायत उनका। तो हाँ। बहरहाल मालूम नेटवर्क ही कटा जा इमाम रहा है अबू यार। हनीफा हाँ तक तो मैं ठीक हूँ, उसके बाद के आलिम, जो आलिम सही है, अल्लाह की रहमत हो उन पर, ठीक है उनका मानता हूँ, जो सही बात है और जो कुरान हदीस से साबित है, सही हदीस से साबित है। और वाकियात और ये जो है शहादत के बाद जो है कब्र से उठ के गए, मिठाई लेके आया, इस तरह उस तरह का जो है, ये कोई मोतबर नहीं है। सहाबा इकराम की जिंदगी से दलील वो मोतबर है। तो इस तरह के भी आप सुनते होंगे, तो मैं अगर आप हवाला देंगे और उसके हिसाब से कायल करेंगे मुझे कि देखो आपके घर में तो ऐसा है, तो मैं उन दलील को एज रेफरेंस नहीं मानूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सर्टिफाइड नहीं है। किस टाइप का सर्टिफिकेशन उसमें रिक्वायर्ड होता है? किस जी टाइप का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है? सर्टिफिकेशन जो कुरान और हदीस से साबित हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि हमने अभी अभी दलील दे रहा था फेसबुक पर भी, शायद आपकी आईडी ब्लॉक हो तो आप नहीं देख पा रहे थे। मेरा ये दावा था कि किसी फर्दे वाहिद को आप कैसे वली कह सकते हैं, अच्छा क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, जिब्रील अमीन लेके आते थे, ठीक है, और वो उनको बताया जाता था कि अल्लाह इससे अबू बकर से राजी है, तो अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु सर्टिफाइड है कि अल्लाह इनसे राजी है, ये उनसे राजी है। लेकिन आप बोलोगे कि साबिर पिया, साबिर पिया को कौन सर्टिफाई किया राहिल भाई? हो अच्छा सकता है अल्लाह उनसे राजी भी हो सकता है नहीं भी हो। हम वली कहते हैं यानी अल्लाह का दोस्त, और हो सकता है अल्लाह उनको अपना दोस्त नहीं मानता, अच्छा तो हम कैसे कैसे कह सकते हैं? तो अब रेजा आप खान साहब बरेलवी है और उनकी शान में मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा, आपको तकलीफ होगी, आपको ये वादा ही है हमारा बिना पर, लेकिन तो चलो कोई बदकलामी नहीं होगी। आपकी तो नजर में अभी कोई वली है? आज की डेट में तो ज्यादातर नकली ही पीर है मेरे इलाके में, बाप रे हाँ अभी जितना आते पीर हैं, चाहे वो। मतलब कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपकी नजर में कोई वली है? जी आज की डेट में आप, हम मुझे ये समझ में नहीं रहा भाईजान कि आप किस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं, और हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कहाँ हम जरूर पहुंचा। जरूर, अभी इंशाल्लाह होगा, लेकिन अब आपने, अब मैंने तो कोई मौजू चुना नहीं था, अब आपने वली की बात कर दी खुद से, तो उसी पे मैं आपसे सवाल कायम कर रहा हूँ कि आपकी नजर में आज के दौर में कोई वली है? नहीं तो आप सवाल सवाल कायम करने का सिर्फ आपको हक नहीं है ना, नहीं आप नहीं ये मैं साबित आपने कीजिए नहीं, ना कि रजा खान साहब बरेलवी को आप वली किस बिना पर कहते हैं, और तो वो, और हद पार कर देते हैं साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु, नहीं इस तो टाइटल सुनिए तखल्लुस को तो हम सहाबा कराम सुनिए के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। आपने ये कहा बारी बारी कि से, बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोले, मेरी बात पूरी हो जाए चले फिर आप बोल, बोले। जी, बोले जिस शख्स को रजी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा कराम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आप उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक मॉडर्न जमाने का 1900 ईस्वी का आदमी जो हर तबका में मकबूल भी नहीं है, किसी के तबका में मशकूक भी है, जो हमारा खुद एतराजात है उनसे, अहले हदीस का एतराजात है उनसे, सलफियों का एतराजात है उनसे, तो उस शख्स को जो पूरे जिस पर इजमा भी नहीं है कि ये वली है, आप उनको रदी अल्लाह तआला अन्हु लगाते हैं। हाँ, और जिसको खास करके हम लोग सहाबा इकराम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको भी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा इकराम को भी रदी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों का मर्तबा मिला रहे हैं, तो भाई जब इनको रदी अल्लाह तआला अन्हु करें तो सहाबा इकराम के लिए कोई और बड़ा इस्तेमाल कीजिए ना। ये मेरा ये क्या कहते हैं सवाल जस्टिफाई लग रहा है कि नहीं आपको, मेरे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से? जी अब बोलूं मैं, जी आप बोले। आप जी आपने कहा कि वली के लिए तो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी जिसमें अल्लाह फरमाता था कि
कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राजी हूँ, तो ये वली हैं। तो आज के दौर में क्या कोई वली कैसे आप किसी को कह सकते हैं? तो उसी पे मैंने आपसे पूछा कि आज के दौर में आपकी नज़र में कोई वली है? अल्लाह बेहतर जाने, मैं मुझे नहीं मालूम। आपकी नज़र में कोई नहीं? मतलब होंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम कौन है। अच्छा, शेख अब्दुल कादिर, अब आपने कहा था ना जब आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, मैं कोऑपरेट करूंगा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों नहीं लगाया? थोड़ा सा सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह देता हूँ। नहीं, यही तो आप ये कर रहे हैं ना, वो उनसे फिर बात करेंगे, उससे फिर बात करेंगे, नहीं कर रहे हैं। और रज़ा बरेलवी को ये कर रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही तो नहीं, मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहता हूँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वली हैं, इसकी आपके पास क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन किसी भाई ने अभी आप ही के तरफ से बोला, गारंटी कुछ नहीं है, सामने आप लोग सुन ले, गारंटी कुछ नहीं है, मैं मान लेता हूँ। जी, इजमा है ना? इजमा है, किसका इजमा है बताइए? इजमा, इजमा कहते किसको भाईजान? हमें नहीं पता, आप बताइए इजमा किसको कहते हैं और इजमा किसका है, इजमा कैसे माना जाता है, आप बताइए। आप ही ने कहा इजमा है तो मैं आपसे सवाल कायम करूंगा। उलमाए कराम का इजमा है, इस पे इत्तफाक है। उलमाए कराम का इजमा है, नाम बताएं जरा उलमाए कराम का, मुफस्सिरीन का इजमा। चले, अब मुफस्सिरीन का भी आप मुझे नाम बताएं जिन जिनका इजमा है। आप मेरा नॉलेज चेक कर रहे हैं या फिर किसी? नहीं, नॉलेज नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, अपने इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। अरे भाई, आपके जलालुद्दीन साहब है ना, बड़े बुजुर्ग हैं, आप मुझ जैसे जाहिल भी कहते हैं, राफजी भी कहते हैं, बातिल भी कहते हैं, मुझ जैसे लोगों से तो फिर बता कितना ही फैलेगा आपके अकॉर्डिंग। अभी तक आपने ऐसी कोई बात करी नहीं है ना, अभी तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बता, नहीं पता तो कह दीजिए नहीं पता। नहीं, आप इजमा को नहीं मानते हैं कि आप? नहीं भाई, बिल्कुल मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि इजमा आपकी नजर में इजमा किसे कहते हैं और इजमा किसका कायम होता है और कैसे कायम होता है? वो मैंने आप पर पलट दिया। नहीं, वो तो आप तब पलटेंगे ना जब मानते हैं, वो तो आप, वो तो सवाल तो आप तब पलटेंगे जब पहले आप बरी हो जाएंगे अपने जवाब देके। मैं इजमा के बेसिस पर उनको वली मानता हूँ। इजमा के बेसिस पे आप वली मानते हैं? ठीक है, उसमें ठीक है, ठीक है। इसी तरह से इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अनु, किसका इजमा है, किसका इजमा है? अभी आप क्या के चारों मसलक का इजमा है? नहीं, आप बोलिए ना, वो बात नहीं, खत्म हो गया। नहीं, अभी खत्म नहीं, लास्ट सुन नहीं पाया था मैं, किसका चार मसलक का इजमा है? अरे मुफस्सरीन का इजमा है उस पे। अब मैं मुफस्सरीन के नाम पूछूंगा तो आप बता पाएंगे? मुफस्सरीन के नाम पूछूंगा, देखिए भाई, इन्हीं पचरों से बचने के लिए यही तो हैरत है यार, आप कहते भी हैं कि मुफस्सरीन का इजमा है, फिर आप नाम भी नहीं बताते हैं। वो मैं कुरान और हदीस से बात करना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं फला मुल्क में, आप कहते हैं फला मुल्क में चाय की पत्ती बहुत अच्छी पैदा होती है, मैं पूछता हूँ कौन सा मुल्क है, आप कहते हैं इस पचरों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये कोई बात ही नहीं है ना। आप साबित कीजिए ना जनाब, आप साबित कीजिए ना कि आप जो कह रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जस्टिफाइड है, आप कह रहे हैं और साबित मुझे करने बोल रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो आपने वली का सवाल करा कि आप लोग हर किसी को अल्लाह का वली मान लेते हैं, जबकि वही नाजिल होती थी उसमें अल्लाह खुद फरमाता था फला शख्स मेरा वली, आज आप किसी को वली कैसे मानते हैं? वही मैंने आपसे पूछा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अनु का वली कैसे माना आपने? इजमा की बेसिस पर, ये जवाब मेरा गलत है। ठीक है, तो इजमा की बेसिस पे हमने भी इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अनु को मान लिया। किन किन का इजमा है इस पर? इसमें देवबंदियों के जो अशरफ अली थानवी हैं उनका भी इसमें कौल है, तमाम देवबंदियों के जो इस टाइम के बड़े बड़े उलमा हैं उनका भी है। नहीं मानते हैं जी, आप तो मानते हैं, सपोर्ट क्यों ले रहे हैं उनका? आप तो मानते हैं, इजमा पूछ रहे हैं ना, तो मैं इजमा बता रहा हूँ। का रेफरेंस लेने से होगा आपको, अहले हदीस का भी लेना पड़ेगा आपको, और आलिम दीन का, अहले सलफियों का। देखिए देखिए देखिए, इजमा तो मुसलमानों का माना जाएगा ना, इजमा तो मुसलमान का माना जाएगा। जी जी जी, मुसलमानों का माना जाएगा। अब आपके नजदीक देवबंदी मुसलमान है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अशरफ अली थानवी साहब तो इमाम अहमद ज़खा फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो आशिक रसूल कहते थे और उनके पीछे नमाज पढ़ने के भी कायल थे। ना 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 ना, इन हाँ है बहुत ज्यादा कुफिया कलाम, कुफिया शेर बहुत, मैं ये किताब में, ये किताबों में लिखा हुआ है, डाउटफुल है। अच्छा, आप ये बताएं, आप सिर्फ कुरान और हदीस के मानने वाले हैं ना? जी बिल्कुल। और आप जो है वो किसी इंसान को, जैसे कि कोई इंसान है, आप उसका फेवर भी नहीं करते अगर उसकी बात कुरान और हदीस के खिलाफ होगी?
बिल्कुल नहीं करूंगा फिर, नहीं करेंगे। हमने उस दिन आपको एक नाम बताया था अशरफ अली थानवी, जो मैंने कहा था हकीमुल उम्मत है आपके देवबंद के, और बहुत मुजद्दिद उनको माना गया है, मुजद्दिद माने जाते हैं, याद है आपको? हाँ बोले थे आप, याद है आपको? फेसबुक पर डाले थे, तो मैं निकल गया था उससे कि कौन है ये। हाँ तो आप जानते हैं कि नहीं, अब जाने कि नहीं जाने? हाँ जानते हैं भाई, क्यों नहीं जानते हैं, जानते हैं। आपकी नजर में मुसलमान है कि नहीं है? तो कैसे मुसलमान नहीं हुए जी, वो मुसलमान कैसे नहीं हुए? आप क्या नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कि नहीं है, हाँ या ना? हाँ है, है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जैसे कि हम लोग मजारात पे जाते हैं, हम बरेलवी लोग मजारात पे जाते हैं, तो हम लोग साहिब मजार से जो है वो वसीला भी लगाते हैं, और हम लोग उनसे अर्ज भी करते हैं, मदद भी मांगते हैं, है ना जत्तारी साहब? जी जी सुन रहा हूँ आपको, आपको मौका मैं दे रहा हूँ। जी जत्तारी साहब, तो हम लोग उनसे मदद भी मांगते हैं अरवा से, और जब उनका किसी वली का विसाल हो जाता है तो हम उनसे मदद मांगने भी कायल हैं, और हमारा ये अकीदा है वो सुनते भी हैं और अता भी करते हैं अल्लाह की अता से। तो इस पे आपका अकीदा क्या है कि ये अकीदा रखना दुरुस्त है या ये शिर्क है? सुनते हैं? नहीं नहीं मैं सिर्फ अकीदा पूछ रहा हूँ। वन वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन? वो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग इन एडवांस। When you will give a satisfactory reply to my question, inshallah azawajal, I am just warning that I will give you each and every answer of your question. I am just one. Repeat your. मैंने पूछा कि जैसे कि हम लोग कब्र पे जाते हैं वली अल्लाह की और उनसे मदद तलब करते हैं उनकी अरवाह से उनकी रूह से, तो ये जायज है या ये शिर्क है? वली से मदद मांगना? जी बाद विसाल उनके। बाद विशाल उनके? ना 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 ना, ये सरासर नाजायज है। नहीं शिर्क है कि नहीं है? शिर्क है, शिर्क ये शिर्क है, और जो शिर्क करने वाला इंसान हो वो काफिर हो जाता है। मुशरिक काफिर बराबर बराबर है, ठीक है। और आपने एक बात अभी ये कही थी कि आप जो हैं इंसान की शख्सियत को नहीं देखते हैं, अगर वो कुरान हदीस के खिलाफ होता है तो आप उसको गलत कहते हैं, जबकि कुरान खुद कहता है कि सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक किताब है जिसका नाम है, थानवी पर क्यों आप टॉपिक को ये कर रहे हैं? अभी बताऊंगा। एक किताब है जिसका नाम है इमदादुल मुश्ताक। एक टॉपिक टैकल है भाईजान। जी जी वही टॉपिक है, शिर्क टॉपिक है जिस पे डिस्कशन चल रहा है राइट नाउ। शिर्क 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 डिस्कशिंग ऑन दैट टॉपिक। शिर्क पॉलिथिज्म पॉलिथिज्म या डेफिनेटली दिस इज द टॉपिक, दिस इज ओनली द टॉपिक, यही एक टॉपिक जिसमें मैं बात कर रहा हूँ जी। मैं अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जी कारनामों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं कह रहा आप जिम्मेदार हैं, आप सुन तो ले मेरी बात। इमदादुल सुनना ही नहीं चाह रहे हैं आप। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह नहीं सुनेंगे तो दीन हमारा मुकम्मल है कि नहीं? जी जी मैं वही कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए जी जत्तारी साहब जी। किताब का नाम है इमदादुल राशिद साहब, इमदादुल मुश्ताक, तसनीफ व तालीफ हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब, और इसका सफा नंबर है 94। इसमें अशरफ अली थानवी साहब जो कि देवबंद के मुजद्दिद हैं वो फरमाते हैं, हजरत ने यानी अशरफ अली थानवी ने तशफी दी और फरमाया कि फकीर मरता नहीं है, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। कि मैं अभी घर मुकल्लिद हो जाऊं? ना 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 अशरफ अली थानवी, अरे यार क्या मतलब, सुनते नहीं है, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मांगना सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए जी। फकीर की कब्र से टॉपिक है हमारा, नहीं सुनना चाहता ये आदमी। आप देवबंदी हैं इसलिए अशरफ अली थानवी हुज्जत हैं, आप कह दिए अब गैर मुकल्लिद ने, आप गैर मुकल्लिद हैं, हम अशरफ अली थानवी को हटा देते हैं। नहीं 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 मैं इन्हीं सवालों के पचरे से बचने के लिए ना मैं कुरान हदीस को बेस बनाता हूँ। नहीं तो देवबंद से भाग क्यों रहे हैं? देवबंद से आप जान क्यों छुड़ा रहे हैं? आप देवबंद से जान क्यों छुड़ा रहे हैं? आप तो देवबंदी हैं तो उससे जान क्यों छुड़ा रहे हैं? सामना करिए, देवबंद का सवाल मुझे परेशान कर देगा तो मैं तो छोड़िए देवबंद। तो जब इन सवाल से आप परेशान है तो आप देवबंद को पकड़े कैसे? छोड़िए उसको, तर्क करिए, कहिए अभी कबूल करिए कि मैं मतलब के देवबंद को बातिल मानता हूँ और मैं उसके सवालों से परेशान हूँ और मैं उसको छोड़ रहा हूँ, लात मारता हूँ। आप बोलिए, बात खत्म कर देता हूँ, बोलिए। मैं अहले कुरान हूँ, अहले हदीस हूँ, अहले सुन्ना हूँ, मतलब देवबंदी नहीं है इसके बात की, कुरान हदीस की बात कीजिए तो मतलब आप देवबंदी नहीं है? नहीं कोई मतलब नहीं देवबंदी से, पैदा हुआ देवबंद के घर में इसलिए जो है। तो अभी आपने बोला आप देवबंदी हैं,
अब आप कह रहे हैं कि आप देवबंदी हूँ रे भाई, लेकिन आप ज्यादा सवाल करोगे तो मैं क्या सोचूं, तो आप एलईडीज बन जाएंगे, गैर मुकल्लद हो जाऊं क्या? तो मैं गैर, अगर मैं ज्यादा सवाल करूंगा तो आप गैर मुकल्लद बन जाएंगे, फिर मैं उन पे सवाल करूंगा तो आप नसरानी बन जाएंगे, फिर आप राबदी बन जाएंगे, फिर आप कादियानी बन जाएंगे, फिर आप ईसाई बन जाएंगे, फिर आप इस तरह से बदलते जाएंगे। नहीं 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो ये बताइए कि देवबंद से, देवबंद के सवालों से, देवबंद के बात से भाग क्यों रहे हैं आप? खामोश रहेंगे जत्तारी साहब? नहीं नहीं जत्ता से अभी नहीं, पहले ही बताइए कि आपने उस दिन कहा, आपने उस दिन कहा कि आप देवबंदी हैं, आज आज आप कह रहे हैं आप देवबंदी हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं आप देवबंदी नहीं है। आप अपने लोगों में हीरो बन जाएंगे, लेकिन मेरा जवाब जब तक नहीं हमको जवाब देने का मौका दीजिएगा तो मैं जस्ट अपने आप को जस्टिफाई कैसे करूं? चलिए बोलिए, मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा आप खामोश हो जाएं जी, देखिए गौर से सुनिएगा मेरी बात जी, बोलिए। कोई मौलवी, कोई आलिम, मेरा ऑडियो डाउन मत कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग ना, इंसाफी नहीं करना भाई वो, इंशाल्लाह ना इंसाफी। कोई आलिम, कोई मौलवी हमारा आइडियल नहीं है, हमारा आइडियल है हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा, क्योंकि सहाबा सर्टिफाइड हैं, वो सितारों की मानिंद हैं, किसी एक की भी इत्तबा कर लेंगे हम कामयाब हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई? और हम उम्मती नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक इन लोगों की नहीं, हम उम्मती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ही इज़ परफेक्ट, वो बेशक परफेक्ट हैं और उनके नक्शे कदम जो है कामयाबी के रास्ते हैं, जन्नत के रास्ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना गोया अल्लाह के हुक्म मानना, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के सिवा वो अपनी तरफ से कोई भी हुक्म जारी नहीं किया, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है अमानत के साथ उम्मत तक पहुंचा दी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का हक अदा कर दिया। तो मैं कुरान का मानने वाला, सुन्नत का मानने वाला, अहादीस मुबारक का मानने वाला, यहाँ तक इस बेसिस पे बात कीजिए तो गंगोही ने क्या कर दिया, नानुटी ने क्या कर दिया, ये क्या नाम है इनका, अशरफ अली थानवी, देखिए मेरे पर नाम भी जल्दी नहीं आ रहा, हम लोग थोड़े ना रजा खानी के नारे तकबीर रजा खानी, हम एक किसी फटवाही थे हमारा तो आलिम बहुत है, तो जल्दी नाम भी जिनका नहीं आ रहा उनसे आप मुतालिक सवाल कर रहे हैं मुझसे। मैं उस शख्स के लिए जिम्मेदार नहीं भाई, मैं दीन का दाई हूँ, मेरा दीन यहीं तक मुकम्मल है, कुरान हदीस सुन्नत तक मुकम्मल है, कि बोलिए आप नामुकम्मल है यहाँ तक, ये लोग अगर पैदा नहीं होते तो क्या दीन इस्लाम वजूद में नहीं था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को खिताब करके क्या क्या खुतबा दिए थे कि क्या हमने दीन तुम तक पहुंचा दिया? सहाबाए कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह आपने दीन पहुंचा भी दिया और दीन का हक अदा कर दिया हज्जतुल विदा के मौके पर, तो क्या हमारा कुरान और हदीस और सुन्ना इतना कमजोर है कि यहाँ तक हमें इस्लाम समझ में नहीं आएगा? और इन लोगों का रिफरेंस, इन लोगों का हवाला, इन लोगों का कारनामा, इन लोगों का वाकयात, इन लोगों का रिवायात, इन लोगों का मौजूआत लेकर के हम अपने अकीदे को ख़राब करें? कुरान और हदीस से अकीदा को अखज़ करना, ड्राइव करना, ये गलत है क्या? अब बोलें राहिल खान साहब जी, मैंने आपको बहुत ध्यान पूर्वक समाअत फरमाया, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ध्यान पूर्वक। एक सवाल और कि क्या मेरे जवाब आपको दिल पर नहीं लग रहे हैं कि क्या मैं गलत बोल रहा अब तक जो बोला, ये आपके खामोशी छाने के बाद अब तक क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? मेरा खामोशी छाने पे मतलब मैंने ये जो बात बोला मैंने, ये हक बात नहीं है क्या? अभी मतलब मैं सुन रहा हूँ ध्यान से, तो खामोशी है। अब बोले जी बेहतर। मैंने आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुना, अब आप मुझे बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मेरी जब आपसे बात हुई भाईजान, टॉपिक क्या था ना? नहीं बोलने नहीं देंगे, नहीं बोलने देंगे तो फोन को कॉल डिस्कनेक्ट कर दे। मैं बस सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा इसके लिए कि मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। टॉपिक याद है ना? हाँ मैं अच्छी तरह से याद है। क्या फौत के बाद, वफात के बाद, हाँ मुझे याद, अल्लाह से मांगना जायज है? हाँ मुझे याद है। अब आप खामोश रहेंगे? हाँ, और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में बस। आपने जो भी इतनी तकरीर करी इसका मैं पहले जवाब दूंगा ना? जी जवाब दें। अब अगर आपने इंटरप्ट करा मतलब आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप घबरा रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि मेरी आपसे पहले दिन बात हुई तो आपने कहा कि हमारे और आपके माखज कुरान और हदीस रहेंगे। दूसरे दिन मैंने आपको जब फेसबुक पे कहा कि आप तो अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लिद हैं, तो आपने कहा नहीं मैं तो इमाम आजम अबू हनीफा का मानने वाला हूँ, मैं देवबंदी हूँ।
और आज भी आपने इकरार किया कि मैं देवबंदी हूं। अब जब आप खुद को देवबंदी कह रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप देवबंदी हैं। जैसे कि मैं बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करता हूं, मैं बरेलवी हूं। अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करता है तो वो अहले हदीस हुआ। अब जब आप देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं तो फिर आपका ये कहना कि नहीं मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, तो इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो आपको जवाब मालूम है कि अगर जवाब देंगे तो आप फंस जाएंगे, सेकंड चीज, या तो ये है कि अगर आप इसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे तो भी आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपने अभी मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि मैं किसी शख्सियत को नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं है। और कुरान अल्लाह का फरमान, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ और हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते, और सच बोलो और हक की पैरवी करो। ये सब तो कुरान की तालीमात हैं जो हमको सुनाई सिखाई जाती हैं बचपन से। और अभी आपने अशरफ अली थानवी जब नाम लिया तो आपने रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कहा, और ये एक मुसलमान के लिए ही अलकाब दिया जाता है अगर आपको पता हो। और आपका ये अकीदा है कि आप कहते हैं कि फौत शुदा शख्स से मदद नहीं ले सकते। अशरफ अली थानवी साहब को भी आपने कहा रहमतुल्लाह ताला अलैह, मतलब वो आपके नजदीक मुसलमान है। तो जो शख्स आपके नजदीक मुसलमान है और मुजद्दिद है, मैं उसी का अकीदा आपके सामने पेश करने लगा था, और आपको सिर्फ करना ये था क्योंकि आप शख्सियत परस्त नहीं है, आपको सिर्फ उस शख्स पे कह देना चाहिए था इसका अकीदा ये है, यानी कि ये भी शिर्क करता है और ये भी काफिर है, और मैंने रहमतुल्लाह ताला अलैह कह के गलती करी। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, जल्दी कीजिए भाई, यानी तकरीर हो रहा है, डिबेट है ना। आपने क्या करा था, आपने इतनी देर तकरीर करी थी तो वो मैं बोला था बीच में, लगभग टाइम बराबर हो गया, टाइम बराबर हो गया लगभग। ठीक, अब एक मिनट और लूंगा। अशरफ अली थानवी साहब के बारे में जो बता रहा था मैं, वो इबारत उन्हीं के घर की थी, आप ही के घर की। वो फरमाते हैं कि फकीर मरता नहीं है, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है, फकीर की कब्र से वही हासिल होगा जो जिंदगी जाहिरी में मेरी जात से होता था। फरमाया हजरत साहब ने कि मैंने हजरत की कब्र मुकद्दस, कब्र मुकद्दस से वही फायदा उठाया जो हालात हयात में उठाया था। 15 सेकंड हो गए हैं, वो 20 सेकंड हो गए हैं, से बात कर रहे हैं आप। सब्र आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो डिफेंड नहीं कर सकता अशरफ अली थानवी को, मतलब आप डिफेंड नहीं कर सकते, डिफेंड नहीं कर सकता अशरफ अली थानवी को, क्योंकि अशरफ अली थानवी की कोई भी किताब मैंने नहीं पढ़ी। मैं आपको स्कैन भेज रहा हूँ, आप रुकिए, मैं आपको किताब का स्कैन भेज रहा हूँ। मैंने पढ़ा ही नहीं ना, मैं स्कैन भेज रहा हूँ, पढ़ लीजिए ना। मैं एक नॉर्मल मुस्लिम हूँ भाई, आप हमको क्या आलिम, अरे क्या बाकी सब नॉर्मल मुस्लिम होते हैं। मैं आपको भेज रहा हूँ स्कैन, आप पढ़िए। मैं जो बात करता हूँ दलील के साथ करता हूँ, मैंने बात नहीं करता। मैं आपको स्कैन भेज रहा हूँ, वो पढ़िए, आप वो किताब पढ़िए। मेरे आप लोग कुरान और हदीस की रोशनी में अकायद को अखज करने में क्या परेशानी हो जाती है। अगर आप ये कह दें, अगर आप ये कह दें कि अशरफ अली थानवी ने अगर ऐसा लिखा है या उसका ऐसा अकीदा था तो वो काफिर है, फिर मैं कुरान और हदीस पे बात करूंगा। मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर एडिट नहीं करना है, जैसा बोल रहा हूँ बोलो, अगर अशरफ अली थानवी का अकायद कुरान और हदीस और सुन्ना से हट करके था तो वो काफिर है, तो वो काफिर है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ना, इट इज हाफ क्लियर्ड, इट इज हाफ क्लियर्ड। यहाँ अगर को हम श्योरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर मतलब आप नहीं समझते हैं कि अगर अगर तो हो गया, अगर था अगर गया, अब हम अगर का सबूत, अब हम सबूत देके अगर को, अगर मगर को हटा देना चाहते हैं, सबूत देकर। मुफ्ती थोड़ा हूँ कि मैं एनालाइज कर पाऊंगा। अरे आप शिर्क पे कुफर पे बात करते हैं, कल तो आपने आपने मेरे दोस्त के ऊपर फतवा लगा दिया था, गैरुल्लाह को सजदा करे, कल तो आपने मेरे दोस्त, कल तो आपने मेरे दोस्त पे फतवा लगा दिया था, आपने कहा था कि मैं तुम पे कुफर का फतवा देता हूँ, तो जब आप मुफ्ती नहीं है तो आपने फतवा कैसे दे दिया, जब आप मुफ्ती नहीं है तो आपने फतवा कैसे दे दिया। आप अगर अभी बोल दो, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, जब आप मुफ्ती नहीं है तो आपने फतवा कैसे दे दिया। जनाब आप मुफ्ती नहीं है, कल तक आप मुफ्ती बन गए थे तो आपने फतवा कैसे दिया कुफर का, क्योंकि किसी इंसान पे, अगर किसी इंसान पे कुफर का फतवा दिया जाता है तो उसमें कितनी दर्जात, कितनी दर्जात ईमान की होती है देखी जाती है, बताइए। अगर किसी इंसान पर कुफर का फतवा लगता है तो उसमें कितनी दर्जात ईमान की पहले देखी जाती है फिर फतवा लगता है, आप मुझे दर्जात की गिनती बताइए। जो कलमा को नहीं मानेगा मैं काफिर नहीं पता, जो कुरान को नहीं मानेगा मैं काफिर बोलूंगा। तो फिर कहिए अशरफ अली थानवी काफिर था, तो फिर कहिए अशरफ अली थानवी काफिर था, तो फिर कहिए अशरफ अली थानवी काफिर था,
किस बेसिस पे बोले काफिर था? मैं आपको स्कैन भेज रहा हूँ, किताब देख के बोलिए ना, आप किताब देखना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा, आप जानते हैं। मैं देखो मैं कब जितने ना उर्दू में छोटी छोटी ये आयत मैं बाखुदा मैं हलफ उठा के कह रहा हूँ, मैं हलफ उठा के कह रहा हूँ आपके मुंह से ज्यादा क्लियर स्कैन भेजूंगा, बताइए। नहीं नहीं मुझे आप मुझे ना 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 आप मुझे स्कैन पहले भेजने दीजिए। कुरान हदीस से आप बात करना चाहते हैं? करेंगे करेंगे, पहले देवबंद का लानत आपके आपने गले से आप उतारिए। क्या कुरान हदीस के खिलाफ है? मैं आपको स्कैन भेज रहा हूँ, पहले आप स्कैन भेजिए और उसके बाद बात। मैं लाइन होल्ड कर रहा हूँ, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा आपको, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा जनाब। कुरान हदीस से साबित नहीं कर सकते हैं? मैं आप बिल्कुल साबित करूंगा इंशाल्लाह। जरूरत पड़ती है इनकी? नहीं नहीं, पहले आपके घर की बात है ना। टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक अशरफ अली थानवी को काफिर साबित करना है या टॉपिक ये है कि गैरुल्लाह मुर्दे से मदद जी बता रहे हैं? टॉपिक ये है कि जो आपके घर में होता है यू हैव होता है तो फतवा लगाइए अपने घर के अपने बाबाओं पे फतवा लगाइए। मैं आपको स्कैन भेज रहा हूँ, आप उसको पढ़िए मेरे सामने, आज मैं देखता हूँ आप कितने बड़े आलिम हैं। आप फतवा लगाते हैं ना राहिल साहब के? आप साहब अभी आप रुकिए तो, आपको पता ही नहीं कि आपका पाला कहाँ पड़ गया है, आपको जरा आइडिया ही नहीं है। आप कुरान और हदीस से डिफेंड कर सकते हैं क्या? आप बरेलवियत को कुरान और हदीस से साबित कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं? इसका मतलब देवबंदी का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसलिए आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। मौजू क्या कहवा था भाई मेरे? शिर्क। ये फिल्मी हंसी मत। शिर्क शिर्क मौजू है ना? शिर्क मौजू है, अभी भी मौजू है शिर्क। शिर्क तो गैर उल्लाह से उसकी वफात के बाद, गैर उल्लाह से बादे वफात उसकी अरवा से मदद मांगना और मदद तलब करना आपके बकौल शिर्क था। और मैंने आपके हकीमुल उम्मत की किताब से, जो मुजद्दिद है आपके वहाँ के, मैंने उनकी किताब से दिखाया है कि वो खुद इसके कायल थे। उनका रेफरेंस को नहीं मानूंगा। तो कहिए काफिर है, तो कहिए वो काफिर है, आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस को उनकी किताब का रेफरेंस क्यों लेंगे? तो आप कहिए काफिर है वो मानते हैं, तो आप कहिए काफिर है भाई मेरे, जब आप उनको मौतबर नहीं मानते हैं। अरे आप तो मौतबर मानते हैं, क्यों आप तो मौतबर रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आप कह रहे थे, आप तो मौतबर मानते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे थे नहीं? अच्छा अगर बरेलवी वही काम करे, अगर 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 बरेलवी वही काम करे, अगर बरेलवी वही काम करे तो आप कहेंगे ये शिर्क है, लेकिन अगर थानवी साहब वही काम करे तो आप कहेंगे शिर्क नहीं है। ये कैसी ये तो चोरी है, ये तो साफ साफ मक्कारी है। अगर बरेलवी वही काम करे तो आप कहें शिर्क, लेकिन जब थानवी साहब वही बात करें तो आप कहें नहीं हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो साफ साफ लग रहा है कि आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं भाई। यही तो आप लोग कमी है कि किसी शख्स को, शख्सियत को पकड़ लेते हैं, उसी को बैसाखी बना के नहीं। चलिए तो सामयी नजरात बहुत ज्यादा हो गया है, आपके सामने वादे हो गया है कि जो देवबंदी होता है वो जब उनके बाबाओं की किताब दिखाई जाती है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं फतवा देने में। और कल तक यही इंसान मुसलमानों पे फतवा लगा रहा था कि कुफर का, और आज जब थानवी की बात आई तो ये किस तरह से बातें बघार रहा है, पीछे भाग रहा है। आप देखे बस मुझे यही बात कर रही थी, आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है और मैंने इसको स्कैन भी भेज दिया है, लेकिन ये देख नहीं रहा।